हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज 2.4 ग्राम कोल इज बर्न्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल इज -x किलोजूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20 किलोजूल पर केल्विन। अज्यूम कोल टू बी प्योर कार्बन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि जब 2.4 ग्राम कोल को क्या किया जाता है बॉम कैलोरीमीटर के अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो टेम्परेचर राइज जो होगा कैलोरीमीटर का वो कितना है, 298 केल्विन से 300 केल्विन है। एंथैल्पी चेंज हमें इस कम्बशन के लिए दे रखा है -x किलो जूल पर मोल, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें हीट कैपेसिटी जो है कैलोरीमीटर की, बॉम कैलोरीमीटर की, वो हमें गिवन है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कंबशन क्या होती है। हीट ऑफ कंबशन क्या होगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन। बेसिकली जब भी हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो किलो जूल पर मोल के अंदर हम देखते हैं या जूल पर मोल के अंदर देखते हैं, बेसिकली पर मोल का एस्पेक्ट रहता है यहाँ पे। हमें क्वेश्चन के अंदर किसका, कोल का कंबशन करना है। कोल यानी कि कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर होगा प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो ये बनाएगा CO2 गैस। ये क्या बनाएगा, CO2 गैस। और इसके लिए जो डेल्टा एच है या हीट ऑफ कंबशन है वो हमें दे रखा है -x किलो जूल पर मोल, -x किलो जूल पर मोल, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब ये कंबशन होगा और सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास ये होगा कि जैसे ही कैलोरीमीटर सॉरी जैसे ही हम कार्बन को बर्न करेंगे और जो हीट रिलीज होगी उसके कारण कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल हमारे पास है ये जो हीट जनरेट हो रही है कार्बन के बर्न से। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि क्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगी। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके कारण जो हीट जनरेट होगी उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ से हीट की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी यानी कि सी सी हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी है। ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, हीट कैपेसिटी है। तो ये हम यहाँ से डायरेक्टली क्यू यानी कि हीट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, थर्ड की कंसेप्ट हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन रिलेशन बिटवीन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो ये हमारे पास क्या रिलेशन रहता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशन हमारे पास रहेगा। डेल्टा एन जी हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एन जी हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी हो जाएगा। डेल्टा एच क्या है, बेसिकली एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। डेल्टा यू क्या है, हीट चेंज ऑफ सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन है। कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है, हमारे पास कैलोरीमीटर हमेशा मेजर करता है डेल्टा यू को। जो भी टेम्परेचर राइज और हीट का रिलेशन होता है उससे डेल्टा यू को ये फाइंड आउट किया जाता है कैलोरीमीटर के थ्रू। तो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे, इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें हीट कैपेसिटी गिवन है और टेम्परेचर के अंदर जो राइज हो रहा है उसका हमें पता है, तो हम क्यू यानी कि हीट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होगी, सी डेल्टा टी। और हीट कैपेसिटी जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 20। हीट कैपेसिटी हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 20 किलो जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा टी जो है वो हमारे पास हो रहा है 2 केल्विन का, तो ये हो जाएगा 40 किलो जूल। यानी कि 40 किलो जूल जो है वो हीट रिलीज होगी। अब ये जो हीट है ये कितने कार्बन से रिलीज हो रही है, बाई 2.4 ग्राम कोल।
2.4 ग्राम कोल से ये इतनी हीट रिलीज हो रही है, सो मेरे को चाहिए कि एक मोल से कितनी हीट रिलीज होगी, सो ड्यू टू वन मोल, तो ड्यू टू वन मोल यदि मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये मेरे पास कितना होगा, ड्यू टू वन मोल तो मैं डिवाइड कर दूंगा किसका, 40 किलो जूल के अंदर मैं डिवाइड कर दूंगा किस चीज का, 2.4 और इनटू 12 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, क्योंकि मैंने 2.4 को 4 ग्राम को किस में चेंज किया है, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज किया है, तो ये होता है 2.4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 मोल के कारण आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, ये आएगी 200 किलो जूल पर मोल, ये कितनी हो जाएगी, 200 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमने मेजर की है कैलोरीमीटर से, और कैलोरीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, डेल्टा यू मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अब मैं रिएक्शन के अंदर अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी हमारी इक्वेशन जो है उसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा एच विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन जी की वैल्यू है प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज वो है 1, और रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, तो 1-1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, सो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 200 किलो जूल, 200 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ कोल इज माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। अब हमें बोल रखा है कि माइनस एक्स किलो जूल पर मोल एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज है माइनस एक्स किलो जूल पर मोल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। बेसिकली 200 क्यों आएगी, क्योंकि हमने ऊपर जब देखा था कि वहां पे हीट रिलीज्ड की बात कर रहे थे, हीट रिलीज्ड की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने रिलीज बोल दिया था, इसलिए माइनस नहीं लगाया था, माइनस यूज हमने नहीं किया था, क्योंकि हीट रिलीज होती है सिस्टम के द्वारा, रिलीज की जाती है तो वो नेगेटिव में यूज की जाती है, और जब एब्जॉर्ब की जाती है तो पॉजिटिव में यूज करते हैं, तो बेसिकली मैं समझाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव भी यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हीट रिलीज्ड है, हीट क्या है, हीट रिलीज्ड, और ड्यू टू वन मोल ये भी हीट रिलीज्ड है, तो ये भी -200 किलो जूल हो जाएगी, और डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, -200 किलो किलो जूल पर मोल हो जाएगा। सो सब जगह यहाँ पे क्या, डेल्टा यू की जगह हम क्या यूज करेंगे, माइनस का ही वैल्यू यूज करेंगे, सो एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 किलो जूल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें माइनस दे रखा है, सो एक्स इज इक्वल टू 200 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।